कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मंच पे भी चंद्रशेखर जी बैठे हैं, पृथ्वी जी, भास्कर राव साहब और बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूंगा, कई लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, उसके बाद कोई उसको ट्रांसलेट कर देंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कन्नड़ में नहीं बोल पाऊंगा, मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा अभी दो दिन पहले दांत का एक ऑपरेशन हुआ था। बहुत ज्यादा मुझे दर्द था, बहुत पेन था, लेकिन मैंने पृथ्वी को बोला कि आज यहां पे हजारों किसान आने वाले हैं, आज यहां पे किसानों के नेता चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो चाहे मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़े, मैं आऊंगा जरूर यहां पे। तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूं, मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आज यहां पे हजारों किसान पूरे कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। किस चीज की बधाई, दो मिनट में बताता हूं। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया, उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था, उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है, वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था, उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए, उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को 3 कानून वापस लिए लेने पड़े। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उनके अहंकार को आपने रौंद दिया। आज किसानों को राजनीति में आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल के बाद भी आज किसानों का इतना बुरा हाल है। देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, छोटा किसान खासकर, इतनी गरीबी की हालत में जीता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मैं कुछ और बन जाऊं लेकिन मैं किसान ही नहीं करूंगा। इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया। अभी जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, देश का 45% लोग किसानी के ऊपर निर्भर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर लोग अगर किसानी पे निर्भर हैं, अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं। चंद्रशेखर जी, हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं,
हम भी रामलीला मैदान में बैठा करते थे अन्ना हजारे जी के साथ, हमें भी, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। उन्होंने हमें चैलेंज किया, बोले केजरीवाल जी भ्रष्टाचार दूर करना है तो चुनाव लड़ो, राजनीति में आओ, खुद चुनाव लड़ लो। हमने कहा जी हम बड़े छोटे लोग हैं, हमसे चुनाव नहीं लड़े जाते, आप लोग भ्रष्टाचार दूर करो। उन्होंने कहा नहीं, आप चुनाव लड़ो और आओ और आप सिस्टम बदलो। मैंने उनको बार बार कहा इस देश के आम आदमी को मत ललकारो, ये जो आम आदमी बैठा है ना, ये आम आदमी बड़ा पावरफुल है। जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया, जिस दिन आम किसान खड़ा हो गया इस देश का, ये बड़े बड़े सिंहासन हिल जाएंगे। इन्होंने हमें ललकारा, आम आदमी पार्टी बनी, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, और अब कर्नाटक में सरकार बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। कर्नाटक, अभी मैं सुन रहा था चंद्रशेखर जी बोल रहे थे इसके पहले वाली सरकार 20% की सरकार थी, अभी वाली सरकार 40% की सरकार है, दिल्ली में 0% की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है, एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते एक पैसे की। इस बात का सर्टिफिकेट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आया हूं कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर में आए, मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, सबकी रेड हुई, मेरे बेडरूम को भी छान लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो हार के प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट देना पड़ा कि सबसे देश में सबसे कट्टर ईमानदार एक ही मुख्यमंत्री है, केजरीवाल। उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड कराई, मेरे सारे मंत्रियों के ऊपर रेड कराई, मेरे 20 एमएलए के ऊपर रेड कराई, कुछ नहीं मिला उन लोगों को। सबसे कट्टर ईमानदार सरकार है, पहले दिल्ली में बनाई, उसके बाद पंजाब में बनाई, अब कर्नाटक के अंदर भी ईमानदार सरकार बनाएंगे। ये 20% और 40%, ये सारा हिसाब किताब इनका बंद करना पड़ेगा। मैं एक आम आदमी हूं, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं आप ही की तरह हूं। मेरे भी घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मां बाप मेरे साथ रहते हैं, पर मैं एक आम आदमी का दर्द समझता हूं। एक आम आदमी किस तरह से इतनी महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालता है, मैं यह समझता हूं। एक आम आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, कर्नाटक में भी मुझे बताते हैं सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हैं। पांच साल में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल बदल दिए। इस साल सरकारी स्कूलों का, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 99.7% रिजल्ट आया है, 99.7%। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं, आप दिल्ली आइए, दिल्ली आके हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिए, शानदार सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है, शानदार ऑडिटोरियम है। आपने प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं देखे होंगे जितने अच्छे सरकारी स्कूल। इस साल 4 लाख बच्चों ने
4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। दिस इज मैजिक। 75 साल में देश में ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार सरकारी स्कूल। कर्नाटक में चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में पहले सरकारी हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल था, डिस्पेंसरीज का बहुत बुरा हाल था। आज दिल्ली में इतने शानदार हॉस्पिटल कर दिए, अब लोग मैक्स में, अपोलो में, फोर्टिस में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराते हैं और सारा इलाज मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। आपको अगर बुखार है, क्रोसिन चाहिए, वो भी मुफ्त है। अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कराना, 40 लाख 50 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, वो भी मुफ्त है। दिल्ली सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में बिजली भी मुफ्त है, ये मैजिक है। पहले दिल्ली में बिजली खूब जाया करती थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली मिलती है लोगों को, जीरो बिजली के बिल आते हैं, जीरो बिजली के बिल। आप लोग आश्चर्य करेंगे कैसे, एक ही चीज है, हम ईमानदार हैं, हम पैसे नहीं खाते, हर चीज में पैसे बचाते हैं, ईमानदार सरकार है। इतना पैसा बचाया हम लोगों ने, इतना पैसा बचाया, इतनी महंगाई के जमाने में हमने 5 चीजें मुफ्त कर दी दिल्ली के लोगों के लिए। शिक्षा मुफ्त है, शानदार सरकारी स्कूल, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, सब कुछ मुफ्त। आपकी सारी हेल्थ मुफ्त है, आपके घर में कोई भी बीमार होगा, किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब मुफ्त है। आपका बिजली मुफ्त है, आपकी पानी मुफ्त है, पूरी दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त है, और महिलाओं के लिए बसों में ट्रांसपोर्ट मुफ्त है। केवल एक चीज की वजह से, हम ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार सरकार है, इसीलिए वो लोग हमसे डरते हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल काम करना आता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में इनके एक लड़के ने किसानों को सबके सामने जीप से कुचल दिया। देखा आप लोगों ने वीडियो, किस तरह से इनके एक लड़के ने किसानों को, सबके सामने किसानों को कुचल दिया। ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे तक सारी पार्टी, ऊपर से नीचे तक सारी सरकारें मिलके उसको बचाने में लग गई और उसको रिवॉर्ड दिया, उसके पिताजी को इन्होंने मंत्री बना दिया। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ सकता है जहां पे मर्डर करने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा? ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी इनके लोगों ने अपने अखबारों में पढ़ा होगा, दिल्ली में, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे घर के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया, मेरे घर में घुस गए वो लोग, मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अगर देश के लिए 100 बार मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मुझे अपने देश के लिए जान देनी पड़े। लेकिन उस दिन जब ये सारे गुंडे मेरे घर के अंदर घुसे, मैं भी घर में नहीं था, मेरी वाइफ भी घर में नहीं थी, मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे, मेरे बूढ़े माँ बाप घर में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन गुंडों को सजा नहीं दी, अगले दिन इन्होंने उन गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? पूरे देश में कहीं गुंडे, लुच्चे, लफंगे, जाहिल, गंवार लोग जो होते हैं वो एक ही पार्टी में जाते हैं। कौन सी पार्टी में जाते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं?
पूरे देश में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ एक राज्य के अंदर, इन्होंने बलात्कारियों को रथ पे बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली। कहीं पे बलात्कार होता है ये सारे पहुंच जाते हैं इनकी पार्टी वाले उनकी, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो, इस देश के लोग शांति चाहते हैं, इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना, आपको स्कूल चाहिए मेरे को वोट दे देना, अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनको वोट दे देना, अगर आपको अस्पताल चाहिए केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है, कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को। दोस्तों आज मैं बेहद खुश हूं, आज इस मंच के जरिए जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे थे ये एक तरह से इतिहास रचा जा रहा है। मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आइए पूरे देश के किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, आइए मिलके। जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भारत माता की। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।